अगर आप लोग भी दोस्तों अभी आईफोन परचेस करने का सोच रहे हैं अभी आने वाले अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में, क्योंकि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल की वीडियो तो मैंने काफी सारी बना दी है, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे थे कि अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में क्या प्राइजेस होने वाली है इसके बारे में वीडियो बनाओ, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के ऊपर आप लोगों को आईफोन के प्राइजेस क्या देखने के लिए मिलेंगे एंड आप लोग कहाँ से परचेस करना चाहिए, क्या आप लोगों को फ्लिपकार्ट से परचेस करना चाहिए या फिर आप लोगों को अमेजोन से परचेस करना चाहिए, ज्यादा डिस्काउंट आप लोग कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, सारी सारी बातें करेंगे सिर्फ बिना टाइम इसके। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करेंगे सेल आप लोगों को कब कब देखने के लिए मिलेगी, अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल दोस्तों 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की सेल 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेल आप लोगों को एक साथ देखने के लिए मिल जाए। हो सकता है कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट अपनी डेट को पीछे कर ले या फिर अमेजोन अपनी डेट को आगे बढ़ा ले, क्योंकि दोनों ही दोस्तों इंडिया के काफी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एंड दोनों यहाँ पर कॉम्पिटिशन करते रहते हैं एक दूसरे से, तो दोनों की सेल आप लोगों को एक साथ देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर ले दोस्तों डिस्काउंट की, ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को कहां पर देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा डिस्काउंट दोस्तों आप लोगों को फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर टू अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। अगर अभी भी आप लोग जाके चेक करेंगे तो आप लोगों को थोड़े ज्यादा प्राइस अमेजोन के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट पर आप लोगों को आईफोन्स ज्यादा सस्ते देखने के लिए मिलेंगे एज कम्पेयर टू अमेजोन। अब बात कर ले दोस्तों कितना कुछ प्राइस का वेरिएशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, आईफोन 11 दोस्तों आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर 23,000 रुपीज का देखने के लिए मिलेगा एंड अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर आप लोगों को आईफोन 11 25,000 रुपए का देखने के लिए मिलेगा। आईफोन 12 मिनी इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर आएगा तो ये आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर 28,000 रुपीज का देखने के लिए मिलेगा एंड अमेजोन पर आप लोगों को 31,000 रुपीज के अप्रोक्स यहाँ पर आईफोन 12 मिनी देखने के लिए मिल जाएगा। आईफोन 12 की अगर दोस्तों बात करें तो आईफोन 12 आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर 33 से लेकर 34,000 रुपीज के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा इंक्लूडिंग बैंक डिस्काउंट। हाँ यहाँ पर दोस्तों 1,500 रुपए का फर्क हो सकता है, काफी लोग कमेंट करते हैं कि एकदम एग्जैक्ट प्राइस बताओ, तो एकदम एग्जैक्ट प्राइस तो दोस्तों नहीं बता सकता मैं भी, लेकिन आप लोग मान के चलिए कि 1-2 हजार रुपए आप लोगों को ऊपर नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आईफोन 12 की अगर दोस्तों बात करें तो 33 से लेकर 34,000 रुपीज के बीच में आप लोगों को फ्लिपकार्ट पर देखने के लिए मिलेगा, वहीं अमेजोन के ऊपर आप लोगों को 37,000 रुपीज का देखने के लिए मिलेगा। आईफोन 13 की बात करें मोस्ट डिमांडिंग फोन, आईफोन 13 दोस्तों स्टार्ट होगा फ्लिपकार्ट पर 40,000 रुपीज से एंड 45,000 रुपीज या 47,000 रुपीज तक जाने वाला है, वहीं अगर बात कर लें अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की तो अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर 45,000 रुपीज से स्टार्ट होगा एंड 50,000 रुपीज के अंदर यहाँ पर ये जो रहने वाला है आईफोन 13। आईफोन 14 की अगर दोस्तों बात करें तो आईफोन 14 फ्लिपकार्ट पर यहाँ पर 47,000 या फिर 46,000 रुपीज से स्टार्ट होगा, बढ़ते बढ़ते 52,000 रुपीज तक जाएगा। अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर दोस्तों आईफोन 14 के प्राइसिंग की बात करें तो 50,000 रुपीज से स्टार्ट होगा, बढ़ते बढ़ते 54,000 रुपीज तक जाएगा। आईफोन 14 प्लस की अगर दोस्तों बात करें 57,000 रुपीज से स्टार्ट होगा फ्लिपकार्ट पर इंक्लूडिंग बैंक डिस्काउंट। इतनी प्राइजेस दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये ऑफर लगा देने के बाद है, मतलब कार्ड डिस्काउंट जब आप लोग लगा देंगे उसके बाद के प्राइजेस है, तो आप लोग ये मत समझ लेना कि ये प्राइजेस के ऊपर और फिर आप लोग कार्ड डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर आप लोग कोई कार्ड डिस्काउंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। आईफोन 14 प्लस की अगर दोस्तों बात करें 63,000 रुपीज से स्टार्ट होगा फ्लिपकार्ट पर, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आप लोगों को 67,000 रुपीज तक जाने वाला है। वहीं अगर बात कर लें अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की तो अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर दोस्तों जो आईफोन 14 प्लस का प्राइस होगा वो आप लोगों को 66,000 रुपीज से स्टार्ट होते हुए दिखेगा, बढ़ते बढ़ते 71,000 रुपीज तक जाने वाला है। प्रो एंड प्रो मैक्स वाली सीरीज की दोस्तों क्या ही बात करें, वो वैसे ही काफी ज्यादा अमीर लोग होते हैं, वो जो डायरेक्टली खरीद सकते हैं, तो उनके लिए जो है क्या ही डिस्काउंट वगैरह के बारे में बात करें। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को एक रफ आइडिया दे दूं तो जो आईफोन 13 प्रो है वो फ्लिपकार्ट पर आप लोगों को 83 से लेकर 86,000 रुपीज के बीच में देखने के लिए मिलेगा, अमेजोन पर यहाँ पर 88,000 रुपीज से स्टार्ट होगा, बढ़ते बढ़ते 95,000 रुपीज तक जाने वाला है। आईफोन 14 प्रो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर जो यहाँ पर 95,000 रुपीज से स्टार्ट होगा, 1,05,000 तक जाने वाला है। अमेजोन की अगर दोस्तों बात करें तो 1,05,000 रुपए से स्टार्ट होगा एंड 1,12,000 रुपए के समथिंग आप लोगों को आईफोन 14 प्रो अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर ले कि आप लोगों को कहां से परचेस करना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर आप लोग पहली सेल में लपेट नहीं पाए किसी भी कारणवश, जैसे कि यहां पर फ्लिपकार्ट की सेल आई एंड आप लोग अगर परचेस नहीं कर पाए, तब मेरे हिसाब से दोस्तों जब बाद में प्राइसेस जब बढ़ते हुए आप लोगों को दिखेंगे एंड अमेजोन में दोस्तों एंड फ्लिपकार्ट में आप लोगों को ज्यादा फर्क नहीं देखने के लिए मिलेगा, 1-1.5 हजार रुपए का ही अगर आप लोगों को फर्क देखने के लिए मिल रहा है, तब आप लोग जो अमेजोन को चूज करना, वहां पर आप लोग जो सेफ हो जाएंगे, आप लोगों का ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा पहली चीज एंड अमेजोन की कुरियर सर्विस काफी अच्छी है, तो वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह भी आती है तब आप लोगों को रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। इस मामले में दोस्तों अमेजोन का कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है, तो यहाँ पर अगर 1-1.5 हजार रुपए का फर्क आता है तब आप लोग जो फ्लिपकार्ट की जगह अमेजोन को चूज करना, वो आप लोगों के लिए ज्यादा
जो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी, अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आईफोन्स की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आईफोन से रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी सवाल हो, या फिर अगर आप लोगों को सेल से रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी सवाल हो, नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।